दोनों पैर भी टूट गया था, तो उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके जीजा के साथ क्या क्या हुआ नेपाल में, एक वीडियो के द्वारा जीजा ने एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो का छोटे से क्लिप फिर आगे बात करेंगे। तो मैं और हर्ष, हम दोनों ने जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी वो काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर थी, वहां जाने के लिए एक बार में 4 घंटे लगते थे जाने में और 4 घंटे आने में। वहां जाके बातें करी, पुलिस स्टेशन गए, फिर हम लोग जो विक्टिम थे जिनकी फैमिली में डेथ हुई है, हम लोग उनकी फैमिली से मिले, फैमिली से मैं और हर्ष दोनों ही मिले, दोनों ने बात करी। और हमारे साथ लोकल थे प्रभजोत के दोस्त, एक सैम, एक सुजन और एक गौरव, तो वो लोग भी थे। हम लोगों ने उनसे भी बात करी, तो बात करने के बाद फैमिली के साथ आपका सामना हुआ, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, हमने हाथ भी जोड़े कि जो हुआ है वो बुरा हुआ, ये ऑल ऑफ सडन था, कि मतलब कहते हैं ना जानबूझकर नहीं किया, एक्सीडेंट था, ऑल ऑफ सडन। मतलब अगर 4 बार प्रभजोत पहले भी नेपाल आया है तो अगर उसने जानबूझ के करना होता तो वो पहले भी करता, ये ऑल ऑफ सडन था। तो कहते ना भगवान ने लिखा था, तो वो चीज होनी थी। फैमिली वालों को बहुत समझाया, प्यार से करा, तो वो लोग माने, उन्होंने हमारे हक पे स्टेटमेंट भी दी। एक नेपाल गवर्नमेंट का एक छोटा सा कंपोजिशन अमाउंट होता है, तो वो कंपोजिशन अमाउंट हम। सो गाइस, तो चलते हैं अगली अपडेट की ओर। अगली अपडेट जो आ रही है वो है स्कॉलॉट। आप लोग जानते हैं कि स्कॉलॉट का बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, बट उसका इंस्टाग्राम स्टोरी में एक चीज लिखा गया, मिलते हैं कल। तो सारा लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या स्कॉलॉट जिंदा है। मैं उन सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ, मैं उन सभी सज्जनों से कहना चाहता हूँ, मैं उन सभी प्यारे ऑडियंस से कहना चाहता हूँ, नहीं, उसका यूट्यूब जर्नी को अब उसका भाई चलाएगा, क्योंकि उसने एक वीडियो अपलोड करी है, उस वीडियो में उसने क्या चीज का एक्सप्लेन किया आप लोग भी देख सकते हैं, वीडियो छोटी सी फिर आगे बात करेंगे। तुमने बहुत दिनों से देखा होगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, मतलब तुमने क्या, मैंने भी देखा है कि मैंने अपलोड नहीं की है, ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर अपलोड करूं, ठीक है। और हाँ भाई, मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, पता चले कल को मेरे को वीडियो देखने को मिल रही है कि स्काईलॉट चल बसा, बस करो यार, जिंदा हूं यार मैं, देखो ये देखो दिख रहा है, जिंदा हूं यार, देखो हाथ भी चल रहे मेरे, काट के दिखा रहा हूं, ठीक है। आज चैनल के व्यूज डाउन हो गए, लेकिन व्यूज मैं हूं तो व्यूज हैं, ठीक है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा व्यूज नहीं रहेंगे। अच्छा, बहुत मस्का लगा दिया, चलता हूं मैं, फिर किसी और दिन आऊंगा। और ये झूठ बोलकर भाई हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। भैया चलते हैं अगली अपडेट की ओर। अगली अपडेट जो आ रही है वह है गौरव जोन और उसके कैमरामैन आकाश। जब गौरव जोन और कैमरामैन आकाश का कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो 3 यूट्यूबर थे जो आग में घी की तरह काम कर रहा था। उस यूट्यूबर को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बट उसका नाम घोषित नहीं हुआ है। तो गौरव जोन ने एक स्टोरी लगाई और उस स्टोरी में उसने कहा, क्या कहा आप लोग खुद देख लीजिए। जब हमारी लड़ाई थी आकाश की, तो कुछ चूतिए ऐसे थे मेरे को फोन करते थे, भाई आकाश ऐसा है, आकाश वैसा, हम तो समझा रहे हैं उसको भाई, वो नहीं मान रहा, वो उसके चक्कर में वो फलाना है ढिमकाना है। मैंने, अच्छा भाई, मैंने, तुमने तो समझा लिया ना, अपना 100% दिया ना समझाने में। कहते हाँ भाई। मैंने, चलो कोई बात नहीं, अपना काम है समझाने का, बाकी करेगा बंदा करेगा, वो देखते हैं करते हैं। फिर वही सेम बंदा आकाश को फोन करता है, हाँ भाई आकाश, गौरव जोन का फोन आया, परेशान कर रहा है फोन करके। वो ठीक है, आकाश कहता ठीक है भाई, क्या करूँ, कह रहा देखो मैं तो समझा रहा हूँ, बाकी आपको बुरा लगा है तो आपके शायद बुरा करा होगा तो आप डाल दो वीडियो, डाल रहे हो तो वीडियो अच्छी बनाना ताकि व्यूज अच्छे हैं। नाम ले दो चूती का, एक नहीं 3 है और 3 को आप जानते हो,
भाई जिंदगी में सब कमाया भाई, खूब रज के। सो गाइस, तो आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बोले तो धनिस मैन।